डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ रिव्यू एक्सरसाइज पेज 75 पे सम करेंगे 11। सब्ट्रैक्टिंग 8 माइनस 5 बाई 9। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 8 बाई 1 माइनस 5 बाई 9। इसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो इसको हमें 1 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेव करना। अब इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकता है, जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई 9 बाई 1 मल्टीप्लाई 9, इसका लिखा है हमने। ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और ये 5 बाई 9 एज इट इज रहेगा। तो अब अगला स्टेप क्या हो गया, ये हो गया 72 बाई 9। 8 9 जा 72 माइनस 5 बाई 9। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब ये कॉमन लिया जाता है, 9 9 9 हो गया। 72 माइनस 5, 72 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 67 बाई 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। 67 को 9 से डिवाइड करो, 9 7 जा 63, बचे 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ, और इसको हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 4 बाई 9। बी पार्ट 11 माइनस 5 बाई 8, इसमें भी वही स्टेप। सबसे पहले हम लिखेंगे 11 बाई 1 माइनस 5 बाई 8। अगला स्टेप है डिनोमिनेटर को सेम करना। अब इनका डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकता है, जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबरेटर को भी करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको 11 बाई 1 को लिखेंगे हमें मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और ये 5 बाई 8 एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या लिखेंगे हमें, 88 बाई 8, 11 8 जा 88 माइनस 5 बाई 8। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको हमें कॉमन लेते हैं, 88 माइनस 5, 88 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 83 बाई 8। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 83 को 8 से डिवाइड करो, 8 वन जा 8, बचा कुछ नहीं उतारा 3, नहीं कहा तो 0 चला दी, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ, इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 3 बाई 8। नेक्स्ट है 13 बाई 22 माइनस 16 बाई 33। अब इनको इक्वल कैसे करें, ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, करना है इनको इक्वल, तो इनको इक्वल कैसे करें, इनको इक्वल करने का फार्मूला देखो, इसको अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई करने का फार्मूला तो इसमें कामयाब नहीं हुआ। तो अब क्या करें, अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 22 का और 33 का। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इन दोनों से डिविजिबल नंबर हमें मिल जाएगी। ये 11 से दोनों डिविजिबल होते हैं, 11 टू जा 11 थ्री जा। अब ये 2 और 3 अलग अलग हैं तो यही हमारा एलसीएम हो गया, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये और नीचे वाले लेते हैं इसमें। 11 टू जा 22, 22 थ्री जा 66। अब इनका एलसीएम 66 आया है तो इसका ये मीनिंग है कि हमने इन दोनों का डिनोमिनेटर 66 से बढ़ाना है। वो कैसे बनेगा, जब हम 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 आ जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो इसके नंबरेटर को भी 3 से करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 3 बाई 22 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। 33 का 66 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से करोगे तो इसको नंबरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16
मल्टीप्लाई टू बाई 33 मल्टीप्लाई टू। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, ये हो गया 39 बाई 66 माइनस ये 32 माइनस 32 बाई 66। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 66 हो गया, तो अगला स्टेप क्या होता है, इनको कॉमन लेना है, और ये हो गया 39 माइनस 32, 39 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या बचा 7 बाई 66, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं करनी। ये अपना सी पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 14 का डिनोमिनेटर नहीं दिया तो इसका डिनोमिनेटर 1, और ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 11 6 जा 66, 66 में 9 ऐड किया 75 बाई 11। अब अगला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना। वो कैसे होगा, जब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 11 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को 11 से किया तो न्यूमरेटर को भी 11 से करना है। 14 मल्टीप्लाई 11 बाई 1 मल्टीप्लाई 11 माइनस का साइन एज इट इज 75 बाई 11। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 14 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 बाई 11 माइनस 75 बाई 11। डिनोमिनेटर सेम तो इनको कॉमन, 154 माइनस 75 करो, 14 में से 5 माइनस किया 9, और इधर बच गया फिर 14, 14 में से 7 माइनस किया 7। 79 बाई 11 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 79 को 11 से डिवाइड करो, 11 से 77, 2 बचे, ये 2 यहाँ आ जाएगा और 11 यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 2 बाई 11। ये अपना डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स 9 इंटू 12 बाई 17 माइनस 6 इंटू 5 बाई 17, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 17 9 जा 153 में 12 ऐड किया 165 बाई 17 माइनस 17 6 जा 102 में 5 ऐड किया 107 बाई 17। अब अगला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम करना, जो कि इसमें पहले से ही सेम है, तो कॉमन आ गया हमारा डिनोमिनेटर 17, 165 माइनस 107, 65 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, 58 बाई 17, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। 17 3 जा 51 बचे 7, ये 7 यहाँ और 17 यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 7/17। एफ पार्ट स्टूडेंट्स, इसमें भी दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 9 8 जा 72 में 3 ऐड किया 75/9 माइनस 5 6 जा 30 में 4 ऐड किया 34/5। अब अगला स्टेप क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करना। अब 5 को कितने से भी मल्टीप्लाई करें 10 नहीं आता, 9 नहीं आएगा, और 9 को अगर किसी से डिवाइड करें तो 5 नहीं आएगा, तो क्या करें, इनका एलसीएम लें और ये दोनों सेम टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो इसका सेम करने का तरीका क्या है, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 × 5/9 माइनस 34 × 9/5/9। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 5 7 जा 35 में 2 ऐड किया 37/45 माइनस 9 4 जा 36
नाइन थ्री जा 27, 27 में 3 ऐड किया 30/45। अब देखो दोनों का सेम हो गया, तो ये कॉमन और 375 - 306। 75 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 69/45, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 69 को 45 से डिवाइड किया, बचा कितना, 9 में से 5 है 4 और ये 2, 1 × 24/45। ये अपना एफ पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट है स्टूडेंट्स, 3 × 7/12 - 2 × 4/9, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 12 × 3 = 36, 36 में 7 ऐड किया 43/12, -9 × 2 = 18, 18 में 4 ऐड किया 22/9। अब ये 12 है, ये 9 है, इनको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करें, इनको एलसीएम निकालो, इनका एक दूसरे से डिविजिबल तो है नहीं, 3 × 4 = 3, 3 × 3 = 3। अब ये अलग अलग टेबल से होते हैं तो आगे नहीं करना, 3 × 4 × 3, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36। तो इनका कॉमन जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 36 बनेगा। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाएगा। 43 × 3 / 12 × 3 - 22 × 4 / 9 × 4। इसको 3 से किया, इसको 4 से किया, क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम करने के। अब ये हो गया 3 × 9 = 12/36 - 22 × 88/36 = डिनोमिनेटर सेम तो कॉमन हो गया 129 - 88। 9 में से 8 माइनस किया 1 और 12 में से 8 गया 4, 41/36, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करो, 36 × 36, बचे 5, ये 5 यहाँ जाएगा और 36 यहाँ, इसको लिखेंगे 1 × 5/36। एच पार्ट है स्टूडेंट्स, 7 × 3/4 - 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 4 × 7 = 28, 28 में 3 ऐड किया 31/4 - 3/1, इसका डिनोमिनेटर नहीं था तो 1 कर दिया। अब इनको सेम करेंगे तो कैसे होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से होगा, तो इसको लिखेंगे हम 31/4, ये तो एज इट इज रहेगा, -3 × 4 = 1 × 4। तो अगला स्टेप क्या हो गया, 31/4 - 12/4, डिनोमिनेटर सेम तो ये कॉमन, 31 - 12 = 19/4, और इनको मिक्स में कन्वर्ट करो, 4 × 4 = 16, बचे 3, ये 3 यहाँ और 4 यहाँ, इसको लिखेंगे 4 × 3/4, और स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना 11th सम कंप्लीट हो गया।